बड़ी खबर आपको बता दें, चित्रकूट में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। डंपर और ट्रक में हुई भिड़ंत जिसमें 5 लोगों की गई जान, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जिला मुख्यालय स्थित अमानपुर नेशनल हाईवे 35 की घटना जिसमें 2 युवक कन्नौज जिले के मलिकपुर गांव के हैं, अनिरुद्ध यादव और अखिलेश यादव। देखें दर्दनाक हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो। आनन फानन में करवी कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्रेन मंगवा कर ऑटो में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, देखा तो 3 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी थी जबकि 5 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया जहां पर डॉक्टरों ने 2 लोगों को और देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतकों में एक किशोरी समेत 5 लोग शामिल है, यह सभी फिलहाल अज्ञात हैं। इनमें कुछ लोग हमीरपुर व कन्नौज के अखिलेश यादव पुत्र हरिभान सिंह, अनिरुद्ध यादव, शिवराज यादव मलिकपुर के बताया जा रहा है, जिनकी शिनाख्त कराने वाले कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर निवासी अखिलेश का 20 वर्षीय बेटा निर्भय व अहमदगंज निवासी प्रेमलाल का 17 वर्षीय बेटा सूरज शामिल है। एक अन्य घायल किशोर फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से अभी 3 लोगों की पहचान हो गई, 2 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। उनके परिजनों से संपर्क हो गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घायलों को प्रयागराज भेज दिया गया है, वहीं मृतकों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। तो क्या घटना हुई है और उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है? ये सवेरे सवेरे एक ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई। मंदाकिनी पुल से रेड़ी पुलिया की ओर ऑटो जा रहा था और रेड़ी पुलिया की ओर से एक ट्रक मंदाकिनी को रहा था। 5:30-6 बजे की घटना है। ऑटो सामने से आ रही, ट्रक वाली लेन पर जा करके उसे गिर गया। मौके की जो स्थितियाँ, उसमें 8 लोग सवार थे जिसमें से 7 की पहचान हो गई है। एक व्यक्ति के बारे में अभी पता चला है कि वो किसी वीडियो साहब का ड्राइवर है, जिसका फ़ोन अभी इंस्पेक्टर के पास आया, उसे कन्फर्म किया जा रहा है। घायलों में से 5 की दुखद मौत हो गई, 2 आदमी को प्रयागराज रिफर कर दिया गया है। एक व्यक्ति जो अभी कॉन्शियस है, यहाँ उसका उपचार हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में इसे स्टेबल करके इसे भी प्रयागराज भेजेंगे। उसके पिता को खबर इंस्पेक्टर करवी ने कर दिया है। अभी रास्ते सर लगातार देखा जा रहा है कि जो दग्गा मार वाहन होते हैं वो ज़्यादा मानक से अनुरूप चलाते हैं, मानक स्वरूप ज़्यादा बैठालते हैं सवारी, इसको लेकर प्रशासन किस तरह का कार्रवाई करने को तैयार है? देखिए निरंतर जो हमारी प्रशासनिक कार्यवाही है इन्फोर्समेंट वाली, उसमें निरंतर आप देख रहे होंगे चालान में लगातार वृद्धि हो रही है। उसके बाद भी इस तरह की दुखद घटनाएं हो रही हैं, थोड़ा और सख्ती की जाएगी। साथ ही साथ जो जागरूकता का फार्मूला है, उस तरफ भी और पुलिस को ध्यान देना पड़ेगा, सोसाइटी को ध्यान देना पड़ेगा। सर ये मूल रूप रहने वाले कहाँ के? इसमें जो शिनाख्त हुई है, 3 आदमी कन्नौज के हैं, 2 आदमी हमीरपुर के हैं और चालक सहित 3 आदमी बताए जा रहे हैं कि चित्रकूट।